कार्ड बना और बच्चा सबके से डेट ऑफ मैंने कम करके दिया है, वो भी नहीं बन कर आया आपके पास। विजय दिवस के मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ऐसे में बोकारो में भी पूर्व सैनिकों का हुआ कार्यक्रम, जहां रामगढ़ स्टेशन के कमांडर ब्रिगेडियर कांडपाल का आज बोकारो आगमन हुआ, जहां सभी एक्स सर्विसमैन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो पूर्व सैनिक है वो समाज में काफी अच्छा रोल निभा रहे हैं। जहां कई पूर्व सैनिकों के द्वारा सामाजिक तौर पर सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे में ये सामान्य है और सेना के जवान चाहे वो सेना में रहे या फिर रिटायर्ड, हर जगह समय प्रबंधन के पक्के होते हैं और इसी डिसिप्लिन के चलते औरों से खास बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे में इस देश के युवाओं को भी कठिन परिश्रम करते हुए सेना के हर विंग के लिए शामिल होकर देश सेवा करनी चाहिए। आज सबसे पहले तो विजय दिवस यानी कि 1971 की लड़ाई के आज पूरे 52 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे हम सभी यहाँ पर आज एक छोटा सा हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसको मैं अपनी भाषा में जलसा भी कहता हूँ। इसमें लगभग हमारे बोकारो इलाके के सारे एक्स सर्विसमैन लोग इकट्ठे हुए थे और हमने उनकी समस्याओं का समन्वय समाधान, आप उसको कह सकते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान के लिए मैं रामगढ़ स्टेशन कमांडर हूँ, वहाँ से हम लोग यहाँ पर सारे एकत्रित हुए और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है जिसको हम विजय दिवस के रूप में पहुँच में मनाते हैं। सभी एक्स सर्विसमैन की हमने आपस में मिल बांट के उनकी समस्याएं सुनी, उनके जो भी सुझाव थे उनकी तरक्की के लिए, खासकर मेडिकल सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, कैंटीन की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए और जिला स्तर पे सैनिक सोल्जर वेलफेयर बोर्ड है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया। और जैसे कि मुझे मालूम है जो हमारा सैनिक है वो हमेशा एक्स सर्विसमैन, खासकर जो भूतपूर्व सैनिक है, उसको नेशन बिल्डिंग में योगदान में उसको बहुत ज़्यादा उसके एक्सपीरियंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा योगदान कर सकता है और जो मैं देख भी रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे हैं, उसी के नतीजा था कि आज जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी यहाँ पर उन्होंने अपना समय दिया और आप सब लोग इन सब लोगों के साथ उन्होंने भी मुखातिब हुई, तो ये दिखाता है कि बोकारो यहाँ के जितने भी एक्स सर्विसमैन्स हैं वो बहुत काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बोकारो के डेवलपमेंट में। तो हमने उस विषय पे इनको मोटिवेट किया कि हम इस तरह के डेवलपमेंट और सोसाइटी बिल्डिंग के लिए हम ये काम करते रहें। और बाकी तो फौजी बिल्कुल बढ़िया है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उम्र के पड़ाव पे एक हल्का सा झुकाव है, आपने सेना में रहते हुए इन लोगों ने बहुत सारी पारियां खेली हैं, रिटायरमेंट तो सिर्फ एक नई पारी की शुरुआत है।